लास्ट में मैं रियाता जावेद साहब से कहूंगी कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आए और कुछ कुछ मैसेज हमें करने का है। रियाता जावेद साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। ये अनएक्सपेक्टेड आपने मुझे बुलाया। बहरहाल मतलब सबने इतना सब कुछ कह सब कुछ इतना कह चुके हैं, मेरे उसमें कोई चीज़ बाकी तो नहीं बचती। मुख्तसर एक और रुपये ही बचना चाहूँगा कि कम्युनिटी को जब हम इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं और अब जो आजकल जिस तरह से लोग एक दूसरे से डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन फिजिकली वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, तो ये स्कूल जो है हमारा इस पूरी कम्युनिटी को फिजिकली करीब लाने में इस पूरे इलाके के लोगों को करीब लाने में बड़ा मददगार होता है। वो आप टीचर्स की मदद से उनके पेरेंट्स की मदद से कम्युनिटी को करीब ला सकते हैं और जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो हम हमारे पास वाजे हैं उसको हम और फिल्टर कर रहे हैं। और जो डिजिटल हम लोग स्कैटर्ड होते हैं अपने ख्याल में अपने वक्त को ज़ाय करने में उसको प्रोडक्टिव और इस किरदार साजी और इस माशरे को बेहतर करने के लिए और कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए इस स्कूल के को एज ए सेंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो उससे आगे दूसरे लोगों को रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, यही मेरी छोटी तजवीज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक यादव साहब। बस आप इख्तिताम है प्रोग्राम का और साथ साथ जो है वो सबकी खाने पीने का टाइम है, तो सर्विंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अंदाजा हो रहा था कि चिप्स के रखते ही जो है वो सबको कितनी भूख लग रही है। तो अब ये जो है वो एक नाश्ते का टाइम है और हम इसमें इजीली जो है वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे फ्रीली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद एकेडमिक कमेटी, तो यू में आस्क विद देम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।